अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं अभी उनका कोर्स ऑफ इलनेस बताता हूँ। सबसे पहले चेस्ट पेन हुआ, जीपी के पास गए, दवा लिखा, दवाई के बाद में वो ईसीजी करवाया, इको करवाया, डॉक्टर के पास गए, हार्ट अटैक डायग्नोस हुआ। हार्ट अटैक के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस, सबको पता होगा बराबर, वो क्लॉट डिजोल्व करने वाला इंजेक्शन। 20,000, 30,000 या 50,000 का आता है, वो इंजेक्शन दिया, 30 पेशेंट सीरियस हुए, 50% अच्छे नहीं हुए लेकिन चल गया। और पेशेंट सातवें दसवें दिन हॉस्पिटल आता है यूएन मेहता में कार्ड के साथ में, और टोटली फ्री उनका एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है। लेकिन आपको पता है ये 7 दिनों में, 10 दिनों में सरकार ने टोटली फ्री ट्रीटमेंट दी है, अफोर्डेबल। लेकिन वो पेशेंट का हार्ट का 30, 40, 50% मसल परमानेंटली डैमेज हो गया है। अब वो पेशेंट वापस जाता है और पेशेंट वापस 1-2 महीने के बाद हार्ट फेलर, कमज़ोर हार्ट के साथ एडमिट होता है। डॉक्टर उसको आईसीडी एडवाइस करते हैं, 6 लाख की आईसीडी आती है, फ्री ऑफ चार्ज होती है, अफोर्डेबल। आई विल टेल अफोर्डेबल बिकॉज वी आर गिविंग फ्री। एंड नहीं, फ्री क्या है उसमें? 6 लाख में फ्री क्या है? आई विल कम, इट इज इन द गवर्नमेंट स्कीम, सो इट इज अफोर्डेबल टू द पेशेंट बिकॉज इट इज इन कवर्ड। 90% ऑफ द मेडिकल सर्विसेज इन द कार्डियक परव्यू इज कवर्ड इन अ स्कीम, सो दिस इज अ रियल टाइम डेटा। एंड आफ्टर दैट पेशेंट गोज फॉर द ट्रांसप्लांट, एंड बिलीव मी अवर हॉस्पिटल, दिस यू एन मेहता हॉस्पिटल इज गिविंग ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ चार्ज। नाउ वेयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। इफ यू कैन रेफर दैट पेशेंट ऑन द फर्स्ट डे इन द गोल्डन अवर, वॉट सर सेड गोल्डन अवर, टू अ प्राइमरी केयर सेंटर, फ्रॉम प्राइमरी कैंसर टू द प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर, एंड हिज ब्लड वेसल इज ओपन विद इन 1 आवर, द कॉस्ट टू द गवर्नमेंट इज ओनली 1 लाख रुपीज, नॉट द 10 लाख रुपीज। पेशेंट इज बेटर, हार्ट इज प्रिजर्व, एंड यू आर फॉलोइंग योर हेल्दी पेशेंट। सो आई विल टेल कि अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या, पेशेंट का पैसा बचाना है, सरकार का पैसा बचाना है, अपना टैक्स बचाना है, तो पेशेंट को उस टाइम रेफर करना है जो गोल्डन आवर है, और उस टाइम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। स्ट्रोक हुआ, पहले 4 घंटे में नली वहाँ से जाके हम खोल सकते हैं, कैथेटर से खोल सकते हैं, एवरी वन शुड बी नोइंग, पब्लिक शुड बी नोइंग। और अगर 4 घंटे में वो नली नहीं खुली ना, 1 साल तक वो पेशेंट बेड बाउंड रहने वाला है, नर्सिस केयर करने वाले हैं और उनकी पीपीछी भी सब साफ करने वाले हैं, तो वो अफोर्डेबिलिटी में आता है। तो आई विल, व्हेन यू आर सी द पेशेंट, थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉस्ट पेशेंट का। आज का पहला दिन का खर्चा शायद 1 लाख हो सकता है, लेकिन पेशेंट को समझाओ कि आपको ये जो खर्चा है 1 लाख 2 लाख का प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में, तुरंत जाओ पहले घंटे में, टोटली फ्री होगा, लेकिन उससे आपका आने वाले साल में जो दवाई मेंटेनेंस लेनी है, रिपीटेड ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, रिपीटेड डिवाइस डलवाने पड़ेगी, वो सब कम हो जाएगा। तो आई सी अफोर्डेबिलिटी इन दैट वे, दैट यू कैन मेक द सर्विसेज अफोर्डेबल बाय प्रोवाइडिंग द बेस सर्विसेज। इट मे बी लुकिंग लाइक कॉस्टली फॉर द फर्स्ट आवर, बट अल्टीमेटली इट विल बी सेविंग द मनी फॉर द पेशेंट, फॉर द गवर्नमेंट, अल्टीमेटली टू द सोसाइटी।